लोकसभा चुनाव के बीच मायावती की पार्टी बीएसपी में उठापटक जारी है। मायावती के ऐलान ने सबको चौंका दिया है। मायावती ने जिसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जिसे पार्टी का भविष्य बताया था, उसे ही पदमुक्त कर दिया है। बात यहां आकाश आनंद की हो रही है, बीएसपी के फायर ब्रांड नेता के खिलाफ आखिर क्यों मायावती ने उठाया ये सख्त कदम, देखिए ये रिपोर्ट। बीएसपी प्रमुख मायावती ने पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। मायावती की इस घोषणा ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव के बीच पार्टी के ऐसे नेता को निरस्त करना, जिसके कंधों पर पूरी पार्टी की जिम्मेदारी करने की घोषणा की थी मायावती ने। जी हाँ, बीएसपी प्रमुख ने आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया था, लेकिन अब ना ही वो पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर है, ना ही मायावती के उत्तराधिकारी। आकाश अक्सर ही अपने भाषणों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं और लोकसभा चुनाव के इस दौर में उनके एक भाषण ने सियासत तेज कर दी है। हाल ही में उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया था। दरअसल एक रैली में बोलते हुए उन्होंने सरकार को देशद्रोहियों की सरकार, तालिबान की सरकार बता दिया था। इससे पहले भी आकाश ने बीजेपी को गद्दार और घमंडी बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि प्रदेश सरकार को खुद को बुलडोजर सरकार कहलवाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जनता ने सरकार को तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए चुना था। जिसके बाद मायावती ने ये कहते हुए आकाश को पदमुक्त कर दिया कि वे अभी अपरिपक्व है। मायावती के ऐलान के बाद विपक्ष उन पर बुरी तरह से हमलावर है। सपा और कांग्रेस ने बीएसपी और बीजेपी की मिलीभगत के आरोप लगाए हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी मायावती पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है, उनके जी में जो आता है वैसा निर्णय कर देती है। एक तरफ तो विपक्ष मायावती पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगाता है, उनके इस फैसले को भी विपक्ष ने मायावती और बीजेपी की साझेदारी का नतीजा बताया है, और अब बीजेपी भी उनके खिलाफ बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। बहरहाल मायावती ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर भविष्य में आकाश खुद को इस पद के लिए सक्षम साबित करते हैं तो उनकी वापसी भी हो सकती है। आपको बता दें, इसके पहले भी पिछले चुनाव में भाई भतीजावाद का आरोप लगने के बाद मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से हटा दिया था, लेकिन चुनाव बाद वापस बना दिया था। डीबी लाइव की रिपोर्ट।